गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल फॉर क्लास 8. दिस इज चैप्टर नंबर 3. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो आपका चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है. तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉलीगन के बारे में पढ़ने वाले हैं और पॉलीगन्स के उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में पढ़ने वाले हैं. और इसके पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का वीडियो पार्ट 1 होने वाला है. इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद क्वेश्चंस का मैं वीडियो का सीरीज लेकर के आऊँगा आपके लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच इज हैविंग 4 लैंड सेगमेंट. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है विच इज मेड अप ऑफ 4 लैंड सेगमेंट. यही होता है क्वाड्रिलेटरल. जैसे मैं एग्जांपल दूं कि क्या भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैं आपको अभी बताया कि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जो 4 लैंड सेगमेंट से मिलकर के बना है. तो ये पॉलीगन आपको दिख रहा है, ये पॉलीगन है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पॉलीगन क्या बोल रहे हैं, पॉलीगन होता क्या है? तो मैं बताऊंगा पॉलीगन जो जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, वो हर एक टर्म्स का यहाँ इम्पॉर्टेंस है. तो आप पहले टर्म्स से तो अवेयर हो जाओ, क्लास 7 में पढ़े होंगे. ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, सारा क्या है पॉलीगन है. लेकिन जो भी मैं पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, सब क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, मतलब 4 लैंड सेगमेंट से मिल करके बना है. तो मैं क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वाड्रिलेटरल पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर का नेम ही मेंशन है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, सारे प्रॉपर्टीज के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, सब कुछ बारीकी से समझेंगे. ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ 4 सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं. अब आते हैं पॉलीगन, क्योंकि मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लैंड सेगमेंट. ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन. ये मैंने जितना भी फिगर ड्रॉ किया था सब क्वाड्रिलेटरल था, तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग पॉलीगन में आएंगे. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लैंड सेगमेंट. ठीक है, 4 लैंड सेगमेंट से जो मिल करके बनता है जो पॉलीगन, उसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. 5 लैंड सेगमेंट से मिल करके जो पॉलीगन बनेगा उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं, उसको पेंटागन बोलते हैं. ठीक है, 3 लैंड सेगमेंट से मिल करके जो पॉलीगन बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. 6 लैंड सेगमेंट से मिलकर के जो पॉलीगन बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं, उसको हेक्सागन बोलते हैं. समझना बात को. अब यहाँ पे आता है पॉलीगन. चलो, अब पॉलीगन क्या होता है सर? ये जो आपने टर्म यूज़ किया है पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या होता है? तो चलो आते हैं पॉलीगन में. पॉलीगन, पॉलीगन लिखो. पॉलीगन इज ए इज अ सिंपल क्लोज कर्व. ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है बच्चा, क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ओनली लैंड सेगमेंट. ये यहां पे 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना. इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व. ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व होता है. यहाँ पे देखो, मैं यहाँ कट कर दिया, ये कट नहीं अंडरलाइन करना चाह रहा था, फिर से लिख दे रहा हूँ. सिंपल, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, यहाँ पे इस बात को अंडरलाइन कर लेना. सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लैंड सेगमेंट, जो एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लैंड सेगमेंट से मिलकर के बना होता है,
उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका पॉलीगन का फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सको कि पॉलीगन क्या है, कौन कौन सा फिगर पॉलीगन है। देखो ये हमारा पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक से पॉलीगन का, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, मतलब फिगर क्लोज होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व, ध्यान देना, और लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट, कर्व नहीं होना चाहिए उसमें, कर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए और सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। अभी आपको फिर ये टर्म समझाऊंगा मैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। तो ये देखो ये पॉलीगन है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सिंपल क्लोज कर्व का और लाइन सेगमेंट का, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का। अब यहाँ पे देखो, अब आप बताओ क्या ये मेरा पॉलीगन है? डेफिनेटली ये पॉलीगन है, क्योंकि ये भी क्लोज कर्व है और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। अब आप बताओ क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन है, देखो ये क्लोज कर्व तो है, सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या है? कर्व है। तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है आपका और ये पॉलीगन है, समझना बात को, ये पॉलीगन हमारा नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल, क्या ये पॉलीगन है? दिस इज द पॉलीगन, बोलो कमेंट करके बताओ पॉलीगन है। सर ये क्या बात हो गया, सिंपल क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व तो है और स्ट्रेट लाइन से तो मिलके बना है। तो सर मैं आपको बता दूं, ये भी पॉलीगन हमारा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ लिखा हूँ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व उस कर्व को बोलते हैं जब कोई भी जो क्लोज फिगर हो एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करता हो। यहाँ पे देखो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या ये लाइन और ये लाइन अपने आप में क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहा, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा, रेड पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा, कितना जगह क्रॉस कर रहा है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करना चाहिए जो लाइन है, ठीक है? तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। पॉलीगन होने के लिए आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व भी और लाइन सेगमेंट भी, समझना बात को। तो ये भी हमारा नहीं है सर पॉलीगन। अब फिर दूसरा मैं एक फिगर बना रहा हूँ, बताना आप पॉलीगन है कि नहीं, बताओ ये पॉलीगन है क्या? सर ये भी स्टार, ये भी स्टार, ठीक है? तो ये पॉलीगन है, देखो सिंपल क्लोज कर्व है, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व है और सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है। तो आई थिंक कि सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पॉलीगन का, ठीक है? चाहे पॉलीगन में जितना भी साइड हो, 10 साइड, 20 साइड, 50 साइड, लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हो और एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर रहा हो, तो उसको हम लोग पॉलीगन बोलेंगे। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है? नेक्स्ट सेगमेंट है कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन समझने के लिए अब आपको पॉलीगन तो समझ आ गया होगा, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन आपको बहुत ईजी लगेगा समझाना या समझना। कॉन्वेक्स पॉलीगन, सबसे पहले समझो कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये वैसा पॉलीगन होता है जिसका सारा इंटीरियर एंगल, जितना भी इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अ पॉलीगन हुज ऑल इट्स इंटीरियर एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है? मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन इज सच पॉलीगन, लिखो आप लोग भी साथ साथ, सच पॉलीगन हुज ऑल इट्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन उस तरह के पॉलीगन को बोलते हैं जिसका इंटीरियर एंगल, सारा इंटीरियर एंगल जो है
180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों? यहाँ का जो एंगल देख लो, यहाँ का एंगल देख लो, यहाँ का एंगल देख लो, यहाँ का एंगल देख लो, सारा एंगल, ये इंटीरियर एंगल है ना, सारा एंगल 180 डिग्री से लेस है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। ये तो पॉलीगन है कि नहीं है? डेफिनेटली है पॉलीगन, अभी आप लोग समझ गए, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि सारा जो इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री से लेस है। अब दूसरा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है, सब 180 डिग्री से लेस है, और वैसा पॉलीगन को ही हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉनकेव पॉलीगन में। चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ये एग्जांपल हो गया। अब कॉनकेव पॉलीगन में आते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, हो गया कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन इज सच पॉलीगन हुज वन और मोर देन वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। समझना बात को, मैं क्या बोला, कॉनकेव पॉलीगन में, कॉनकेव पॉलीगन इज सच पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज हुज वन और मोर देन वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक या एक से ज्यादा इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, उसी को हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो अब सर ये क्या बात हो गया कि हम लोग कैसे जानेंगे को उसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा? सर आपको लेंस एंड एंगल्स क्लास 7 में पढ़ चुके हो, आप लोग देख के ही विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन सा एंगल 180 डिग्री होता है। सर ये देखो, आपको एक बार हम लेंस एंड एंगल्स का रिकैप कर देते हैं। ये क्या है सर, 90 डिग्री के आसपास है, सॉरी 90 डिग्री है आसपास नहीं, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है सर, ये आपको पता है 120 डिग्री के आसपास, ये यहाँ पे 180 डिग्री होता है सर। अगर हम बात करें ये इस तरह का एंगल, ठीक है, तो ये क्या हमारा 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं है सर, ये 180 डिग्री से ग्रेटर है सर। बिल्कुल सर, अब समझ आया, बिल्कुल। चलो तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। अब आप खुद से पता कर सकते हो सर, देखो अब आप बोलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है, ये है, ये है, ये क्या पॉलीगन है? डेफिनेटली है। अब आप बताओ, मैं क्या बोला हूँ, एक या एक से ज़्यादा एंगल जो 180 डिग्री से जब ग्रेटर होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा, तो ये एंगल क्या हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है? है सर, तो हो गया कॉनकेव पॉलीगन हो गया सर, कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। समझ आ रहा है बात को? अब उसी तरह ये सर कॉनकेव पॉलीगन है, देखो ये 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 तीन एंगल हमारा 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये भी हमारा कॉनकेव पॉलीगन, ये भी हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। समझ आ रहा है कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, जब एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होगा तो कॉनकेव पॉलीगन, और सारा एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से स्मॉलर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।